हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुरु, आजकल जो हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़े हैं उसमें कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रही थी कि भैया आपकी गाड़ी में 1.5 लाख रुपया कैसे बचा, बस वो हमको बता दो। तो गुरु, वही वाली चीज़ आज हमको बताने वाले हैं हम आपको कि 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट गाड़ी ने इतने दिनों में मतलब महीने के अंदर कैसे किया, कब किया और किस तरीके से किया। बस बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो अगर आधे रास्ते में आप छोड़ के चले जाते हैं फिर आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कमेंट में आके नहीं बोलना कि भाई 1.5 लाख कैसे बचा। तो चलिए गुरु स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। चलते हैं बिना कुछ लपेटे झपेटे वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से बहुत जल्दी और शॉर्ट समझाने वाला हूँ। कृपया आंखें और नज़रें जमाए रखें और अच्छी तरीके से सुने ताकि आपको समझ में एक बार में आ जाए और बार बार जो है एक ही बात को रिपीट चैनल पे ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु, सबसे पहले गाड़ी जो माल लेके गई थी रुद्रपुर से पूना का ब्लॉग आपने देखा ही होता, 75,000 रुपये के जिसमें ड्रम थे, 15,000 रुपये का जिसमें पार्ट लोड पड़ा हुआ था, यानी कि 90,000 रुपये का टोटल भाड़ा मेरा पूना का था रुद्रपुर से, जिसमें गाड़ी का ये देखो पर्चा आपके सामने लेके बैठा हुआ हूँ। गाड़ी का खर्चा आया था 36,000 रुपये मतलब डीजल और रास्ते का खर्चा लगा के, उसमें आप प्लस में 21,360 रुपये और लगा दीजिए जो टंकी फुल मैंने यहाँ कराई थी, बाकी 36,000 रास्ते का खर्चा हो गया। टोटल मिला के 57,360 रुपये का खर्चा हुआ गाड़ी का पूना तक। भाड़ा था गाड़ी का 90,000। आप माइनस करके लगा सकते हैं कितने रुपए इस चक्कर में बचे। तो गुरु, 90,000 रुपये में से आप जब 57,360 रुपये घटाएंगे तो शायद 32,340 रुपये के करीब गाड़ी को प्रॉफिट हुआ पूना तक। अब आप बोलोगे पूना तक तो सिर्फ 32,000 रुपये हुआ, फिर 1.5 लाख रुपये गाड़ी को महीने के अंदर प्रॉफिट कैसे हुआ? बस वही वाली चीज़ अब आपको समझाऊंगा मैं आगे। नजरें जमाए रखें, बिल्कुल भी आपको कोई भी चिंता या कैसी भी लपेटने झपटने वाली बात नहीं मिलेगी गुरु। जो भी होगा साफ सीधे सिद्धांत में, ये पूना तक चक्कर हो गया, गाड़ी की बचत हो गई 32,000 रुपये। 5 दिन हुए थे गाड़ी को, 5 दिन में 32,000 इधर ये हो गए। चलिए गुरु, अब नंबर आता है जो ब्लॉग भी डाला था, 1,74,000 रुपये का प्याज जो गाड़ी सिल्ली घोड़ी लेके गई थी पूना से, उसमें खर्चा मैं इसलिए पूरा वाला नहीं बताता हूँ, साथ साथ में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फिर भी पूना से सिल्ली घोड़ी वाला तक का बता ही देता हूँ, आप लोग कहेंगे उसमें 67,000 रुपये का तेल है, 731 लीटर, 1400 बॉर्डर महाराष्ट्र, 350 रुपये ग्रीस, 2150 सैलवा बॉर्डर, 2,000 रुपये टाटा कंपनी लैपटॉप लगवाया था गाड़ी में, 1,000 रुपये झांसी बॉर्डर, 550 रुपये बॉर्डर गोपालगंज, 800 रुपये पुलिस, 550 रुपये कांटा दोनों तरफ का प्याज का, 300 रुपये मंडियों की पर्ची, 2,000 रुपये डाला प्याज का, 2,000 रुपये कमीशन ट्रांसपोर्ट का जिसने भरवाया था, 4,100 रुपये डाला प्याज का उधर जिधर से गाड़ी लोड होकर आई थी। आप टोटल लगा लीजिए, कुल मिला के मेरे हिसाब से 84,200 रुपये का इधर टोटल बैठा है। अब 1,71,000 रुपये में से ये वाले पैसे जो हैं माइनस आप कर दीजिए, कितना बचेगा आप लगा लीजिए, वो भी पूना से सिल्लीगोड़ी गाड़ी चौथे दिन खाली हो गई थी। 1,71,000 रुपये, 1,74,000 का भाड़ा था, 84,200 रुपये का खर्चा। तो गुरु यहाँ पे 1,71,000 रुपये से रुपयों में से 84,000 रुपये खर्चा जो माइनस किया है, गाड़ी की बचत आई है 89,800 रुपये। केवल 4 दिनों में 89,800 रुपये गाड़ी ने बचा के अलग रख दिया। कहीं पे कोई खर्चे में मिस्टेक या गड़बड़ हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने जो खर्चा बताया है उसमें ये वाला खर्चा नहीं लगाया है इसलिए इतना प्रॉफिट हुआ है, ज़रूर बता दें। आप लोग चलते होंगे, जो भी वीडियो देखता होगा ज़रूर उधर चलता होगा सिल्ली घोड़ी या इधर प्याज व्याज लेके। फिलहाल मैंने जो खर्चा बताया है उसके अलावा और कोई खर्चा है नहीं। अब 4 दिन में वो वाले पैसे गुरु 89,800 रुपये बचे, बस वो ही अच्छा वाला एक प्रॉफिट था। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, मोबाइल छोटा सा है, 6,500 रुपये का ओनली मोबाइल है, 2 GB RAM का है। लंबा वीडियो हो जाता है बहुत दिक्कत होती है अपलोड करने में, हैंग भी मारता है। तो ये दो वाले चक्कर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, एक तरफ 32,000 कुछ रुपये की बचत थी, इधर 89 की है, तो 89 और 32 करीब 1,00,000 1,21,000 के करीब इतना हुआ
और अब बात रह गई थी हमारी सिल्ली घोड़ी से हमें वापस इधर बदायूं बरेली साइड आना था, तो उधर से भी गाड़ी लाई होगी तो उसमें प्रॉफिट ही हुआ होगा गुरु, घाटा कुछ नहीं हुआ होगा। उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाले पर्चे का भी खर्चा बता दूंगा। तो चलिए गुरु, इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और ऐसी गाड़ी से रिलेटेड एक से एक साफ शुद्ध और सीधी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल द्वारा मिलती रहेगी। चलिए, सत श्री अकाल, सलाम।